बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं सबी काजमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम ख़बरें आपके सामने लेकर आऊं। सबसे पहले इस जलसे के बाद जो जलसा हुआ उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके असरात, उसकी जो आवाज़ है वो कहां तक पहुंची, और ये जो बड़ी बैठक और बड़ी मुलाकातें होने जा रही हैं और कुछ हो रही हैं, सलामती कौंसिल के इजलास हो रहे हैं और बहुत सारी, मैं आपको 5-6 ख़बरें आपको बताता हूं, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि एक जलसे ने पाकिस्तान की सियासत में कितना बड़ा तलातम खेज़ किस्म की जो लहरें हैं वो खड़ी कर दी। अब डेडलॉक ज़रूर पैदा हो चुका है, एक डेडलॉक पैदा हो चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों डेडलॉक पैदा हुआ और ये मुलाकातें किसकी हैं। डेडलॉक सबसे पहले इस बात पर पैदा हो चुका है कि इमरान खान को ये बताया गया कि इलेक्शन हम करने को तैयार हैं। ये मैं आपको बड़ी पक्की खबर बता रहा हूँ, इलेक्शन के लिए रजामंद हैं। अब मामला सिर्फ आके सुई कहाँ अटक चुकी है, नवंबर तक। आपको पता है नवंबर में आर्मी चीफ की मतलब तब्दीली का टाइम है, फैसला है कि एक्सटेंशन होनी है कि उन्होंने रहना है, ये सारे मामला उससे पहले पहले तय हो जाएंगे। इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन जल्द अज जल्द हों, फौरन हों, लेकिन इस बात को लटकाया जा रहा है कि हम किसी तरह इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक लेकर जाएं ताकि वो मामला तय हो जाएं और उसके बाद हम फैसला करें कि नए आर्मी चीफ किस जहन के होंगे, क्या पॉलिसी लेकर आएंगे, या अगर किसी वजह से यही आर्मी चीफ रहते हैं तो फिर आगे मामला क्या होंगे। तो इन चीज़ों पर डेड लॉक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैठक हो रही है। लेकिन इस बैठक का नतीजा किस तरह, जिस तरह आपको पता है जलसे में हम लोग गए, इस तरह बाकी वहाँ पर एजेंसियों ने भी अपना होमवर्क किया, आवाम का मजाज समझा, लोगों की बातें सुनी, लोगों से डायरेक्ट। एक तो आपको देखें, तमाम मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, ये एक इंतहाई, मैं से गैर जमहूरी तो गैर पार्लिमानी हरकतें तो ये लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं, इंतहाई मकरूह हरकत है। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी 3 साल 8 महीने तक, तो ये तमाम जमातें एक एक करके जुड़ी, पहले 11 जमातें बनी पीडीएम की सूरत में, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हर जगह जलसा किया। इमरान खान ने यहाँ तक कहा आप आएँ हम आपको कंटेनर तक देते हैं, आप अपने जलसे जुलूस करें जितने मर्जी करें, और उसके बाद की कवरेज को कभी नहीं रोका गया। लेकिन इमरान खान की कॉल आई उस दिन, आपको पता है कि सारे लोग बाहर निकलें, उसके बाद मीडिया पर ब्लैकआउट शुरू हो गया, तमाम चैनल से मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है, सिवाय एक ARY के अलावा किसी और चैनल पर इमरान खान की लाइव कवरेज नहीं दिखाते ये लोग। इसी तरह आप देख लें कि जलसे को रोकने के लिए जो कोशिशें की गई, रुकावटें लगाई गई ताकि लोग ना पहुँच सकें, इंटरनेट को बंद किया गया, और फिर जहाँ ARY की नशरियात थी उसे मुअत्तल करना शुरू कर दिया गया ताकि लोग फिर इंटरनेट की बंदिश की वजह से लोग फेसबुक और यूट्यूब पर ना देख सकें। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इस तमाम मामलात को रोक दिया जाए, अवाम तक पैगाम ना पहुँचे, लेकिन एजेंसियों ने अपना होमवर्क जो किया जलसे के अंदर, आपको पता है ये जो कहते हैं जी गैर सरकारी तादाद इतनी है, इतने लोग थे, इतने अफराद थे, तो वो जो रिपोर्ट्स आती हैं उन्होंने वहाँ पर अपना होमवर्क किया, लोगों का मजाज, लोगों की बातें सुन ली, लोगों के तेवर देख लिए। अब उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि ये मामलात को बंद गली में ले जाने की बजाय इन्हें दुरुस्त सिमत में लाया जाए। तो दुरुस्त सिमत यही है कि इलेक्शन करवाए जाने। इमरान खान ने भी कहा कि जिन्हें जिन्होंने गलती की है उन्हें इसका एहसास हो जाए तो हम माफ़ करने को भी तैयार हैं, दूसरे मानों में चलें इलेक्शन कराएँ, जान छुड़ाएँ। इसी वजह से आरिफ अलवी साहब ने जावेद लतीफ़ से हलफ भी ले लिया, वो तस्वीर आप देख सकते हैं, और कहा जा रहा है जी कि सदर का सॉफ्टवेयर अपडेट, हालांकि नहीं, ये पता नहीं कि सदर के पास अभी भी इतनी ताकत मौजूद है, और कानून के मुताबिक सदर 296 अफराद के बगैर बाहर नहीं हो सकते, और सदर बल्कि वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को जब चाहें ये कह सकते हैं कि आप इस ईवान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर दिखाएं, चाहे वो हर महीने कहें। इनके 3-4-5 लोगों पर टिकी हुकूमत को फिर उस वक्त गशें पड़नी शुरू हो जाएंगी कि अब ये 4-5 लोग, कोई बीमार हो गया, कोई फोत हो गया, कोई निकल गया, किसी को इमरजेंसी पड़ गई, तो ये कहाँ से पूरे करेंगे, और ये हर महीने सदर कर सकते हैं। अच्छा, ये मामलात थे, उसके अलावा आप देखें दूसरी मुलाकात जो लंदन में हुई जिसमें बिलावल जरदारी भुट्टो मिल रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ज़रा मंजर देखें, 13 लोग थे तकरीबन उस कमरे में, 7 से ज़्यादा उनमें इश्तहारी और मफरूर है, इश्तहारी बाकायदा तौर पर, मफरूर कानून से भागे हुए, किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग के, किसी पर पानी चोरी करने के इल्ज़ामात, किसी पर करप्शन के, किसी पर जायदादें ज़्यादा एसेट बनाने, किसी के अवामी ओहदे, मतलब ये तो तमाम के तमाम लोग
और अखलाकियात के हिसाब से इनका ये हाल था कि मियाँ साहब फरमाते थे कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली का बेटा है, और आगे से बिलावल जरदारी साहब कहा करते थे कि ये नवाज शरीफ का रूहानी बेटा है, एक डिक्टेटर का। तो मतलब हालात ये थे, अब ये लोग बैठ गए हैं आपस में, चलें इनकी सियासत आगे चल रही है, ठीक है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में देखिए एक बड़ी खबर की, जिसमें एक मेजर और एक सिपाही वहाँ पर शहीद हुए, अल्लाह उनकी उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन जो पार्टी वहाँ बलूचिस्तान में इनके साथ जुड़ी बाप और अख्तर मेंगल ग्रुप, जिन्होंने ये कहा था कि जी हम मिसिंग पर्सन की वजह से इमरान खान से नाराज़ हैं, यहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं, इसी तरह नवाब अकबर बुगती का बेटा जब रिज़ाइन कर गया, तो उनसे बंदा पूछे ना कि आपने अब तक कितने मिसिंग पर्सन वापस लेकर आए हैं, ये जो शहादतें हुई हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की, इन्हें आपने रुकवाया कि नहीं, आप इन्हें क्यों नहीं रोक पाए अभी तक। तो ये सवालात हुआ या इक्तदार की खातिर ये लोग उस वक्त जुड़ गए थे इनके साथ। अब इसके साथ साथ आप देखें आर्मी चीफ का जो दौरा हुआ अभी इनका, शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, ये तीनों गए वज़ीरिस्तान, आर्मी चीफ ने उन्हें वहाँ पर मुलाकात की, और उसके बाद वहाँ पर जनरल फैज़ भी मौजूद थे, पेशावर के कोर कमांडर। अब देखें जनरल फैज़ के बारे में जो बातें ये माजी में कर चुके हैं, अब वहाँ पर मुलाकात में एक तस्वीर आपने देखी होगी जिस पर वो पीछे उनके बैठा हुआ फौजी जवान जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को देख रहा है, तो लोगों ने पीछे लिखा है पीछे तो देखो। अब ये वो बात है कि इन्होंने इस तरह अपने लिए बाज़ औक़ात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामलात ले जाते हैं कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें जो है आपके सामने खुल कर आएंगी। अब इमरान खान का जो ख़त था, जिस ख़त को इमरान खान लहराते रहे, अब ये ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, इस ख़त को जिस सफ़ीर ने भेजा, अब उसी से कहलवाया जाएगा कि यह ख़त जाली है, वही सफ़ीर कहेगा कि मैंने ये बातें नहीं लिखी, क्योंकि अब इनके पास कंट्रोल नहीं, हुकूमत नहीं, ये वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर है नहीं निकाल सकते जिस तरह हुकूमत में मौजूद रिकॉर्ड को निकाला जाता है। तो वो सफ़ीर ख़ुद भी आके कह सकता है कि देखें ये ख़त वो नहीं जो मैंने इमरान खान को भेजा, या मैंने इसमें ऐसा नहीं लिखा जो ये कह रहे हैं, ताकि इनका ये जो बयानिया है साजिश का, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। हर सूरत में अमरीकी तरफ आप देखें भी ना, उस तरफ आप देखें भी ना, उस तरफ आप बात भी ना करें, आप अपनी सियासत पे तोजह दें, यहाँ पर लड़ाई करें, लोगों को इकट्ठा करें, हम इलेक्शन करवाएंगे, ये तमाम बातें हो रही हैं इस वक्त। लेकिन आप अमरीका की साजिश का जिक्र बिल्कुल निकाल दें, अमरीका के मुतलिक बात करना बंद कर दें, लेकिन इमरान खान ये नहीं कर रहे। इमरान खान बारहा हर जलसे में बराह रास्त उन्हें ला रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन जीत कर जब वापस आएंगे तो आपको फिर अमेरिका से डील करना पड़ेगा, तो आप उस वक्त किस तरह डील करेंगे, आप मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना लेके जाएं, क्योंकि ये अभी मौजूदा चीफ और उसके बाद में हो सकता है कि आने वाले चीफ की भी पॉलिसी यही हो, तो आपके लिए मामलात बहुत मुश्किल होंगे, अपने बात में लचक लाएँ। और यही बातों पर इमरान खान साहब डेड लॉक हो रहा है। इमरान खान बारहा उन्हें कह रहे हैं कि हम किसी सूरत में उनके साथ गुलामी नहीं करते, हम बराबरी में बात करते हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है अब साजिश का जिक्र छोड़ दें। अब देखना यह है कि इमरान खान अब अगले जलसे में जो इस्लामाबाद की कॉल अगर आती है और उसके बाद लॉन्ग मार्च चलता है और इमरान खान ये बयानियाँ बदलते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि वो बदलेंगे, तो उसके बाद मामलात आप देखेंगे फ़ौरन सीधे होंगे। अब सिर्फ मामला इतना सा रह गया, इलेक्शन होने का उन्होंने इमरान खान को अंदिया दे दिया है कि इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन कब होंगे इस पर जो है अभी डेड लॉक है। इमरान खान चाहते हैं अभी हों, आज हो, अगले हफ्ते हो, उसकी डेट अनाउंस हो जाए फौरन। लेकिन दूसरी तरफ से ये मामलात नवंबर से पहले हल करने की फ़िलहाल पोजीशन में नहीं है, वो नहीं चाहते कि नवंबर से पहले इस मामले को छेड़ा भी जाए। इसी तरह कुछ इमरान खान के ज़ाती स्कैंडल्स भी सामने लाने की कोशिश की जाएगी। ये मामला बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह देखे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो जोजा थी रत्ना जिन्ना, उनके किरदार के बारे में, फिर कायद अज़म की जो साहबजादी थी वीना जिन्ना, उनकी शादी आपको पता है गैर मज़हब में हुई, वो चली गई घर घर से निकल गई, तो उन मामलात पर भी बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिस तरह कायद अज़म की ज़ात को निशाना बनाया जाता था, कहा जाता था ये तो अपनी बेटी को नहीं संभाल सका, ये एक मुल्क कैसे बनाएगा, वही मामलात अब इमरान खान के दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़, कुछ ऐसी ऑडियोज़, कुछ ऐसी चीज़ें ये लोग लाएँगे सामने बारहा बार बार लाएँगे, ताकि अवाम पर जो इसका असर है उसको किसी तरह कम किया जाए। लेकिन जिस तरह जो जलसा था, जिस तरह लोगों का चार्ज क्राउड था, जो चीज़ें देखेंगी, जो विटनेस की गई चीज़ें, खुद मैंने तो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा अब तक, तो
तो आगे मामलात में जो इस्लामाबाद में जलसा होता है वहाँ तक पहुँच पता नहीं मामलात पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, उसके बाद एक नई सियासत करवट लेगी और ये मामलात किस तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ जो कि वज़ीरिस्तान के दौरे में देखी गई कि जिसमें चीफ ने टोपी नहीं पहनी थी। अब जब इमरान खान से इनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त इन्होंने टोपी नहीं पहनी, तो बहुत सारे लोगों ने बात की जो एक्सपर्ट्स थे और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है, कुछ सिग्नल होता है। तो अब ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि जब ये टोपी ना पहने तो मामलात काफ़ी हद तक जो है वो बदल सकते हैं, और ये हमने इमरान खान के ज़माने में देखा, फिर हमने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में देखा कि बिना टोपी के जब मुलाकात हुई तो फिर वज़ीर आज़म को टोपी करा दी गई। तो अब हो सकता है कि अब ये जो आगे इस दफ़ा फिर टोपी नहीं पहनेगी तो शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी बेचारे काफ़ी इस पोजीशन में फ्रेजाइल पोजीशन में है, तो उनको अब टोपी करा दी जाएगी, लेकिन कब तक उनके पास सिर्फ टाइम फ्रेम है कितना कि कितनी जल्दी और कितनी देर में होता है। मामलात आपके सामने हैं, लेकिन जलसे के मामलात में जिस तरह चार्ज क्राउड एक बार फिर है, मैं पाकिस्तानी कौम का ये इतना बड़ा रिएक्शन देकर बहुत हैरान और बहुत खुश भी हुआ कि लोग सियासी तौर पर ज़िंदा कौम है। अपना ख़ास ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।